क्विक रिकैप वीडियो टाइप ऑफ वीडियो है, जिसमें तू विंटर आर्क स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा ये मैं तुझे डिसाइड करवाने वाला हूँ। बिकॉज अभी ये ट्रेंड आ गया विंटर आर्क का, चैट टैक भी इसके इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है, पर उसने कुछ ऐसा मेथड नहीं बताया, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने लाइक तू जो कर रहा है ना अभी, लिटरली तू जो कर रहा है, तू अभी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, तू हमजा देख रहा है, तूने हमजा भी देख लिया होगा, चलो मतलब तू सब कुछ कर रहा है प्रोडक्टिविटी, और पता नहीं अचानक से बीच में क्या होता है सब कुछ छूट जाता है। एक मिनट मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा ये आवाज़ कम हो जाए। तो मेन चीज़ ये है लाइक तू प्रोडक्टिविटी करना स्टार्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब बुक्स पढ़ रहा है। देख मैं बोल रहा हूँ तुझे, बुक्स की बात की ना मैंने, मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे पास, तुझे तूने जो बुक पढ़ी सब पढ़ के रखा मैंने। तुझे हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल देखनी है, ये रही हाउ टू विन एन इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, ये रही डीप वर्क, ये रही एक्सपर्ट सीक्रेट्स, और कौन सी बुक चाहिए, एटॉमिक हैबिट्स, ये रही देख एटॉमिक हैबिट्स, ये एटॉमिक हैबिट्स दिख रहा है, एटॉमिक हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच, चैट टैक ने बताया, सब कुछ पढ़ के रखा मैंने, सब कुछ, वे ऑफ सुपीरियर मैन है, मेरे पास सब कुछ है भाई, मैंने सब कुछ पढ़ के रखा है। मेन चीज़ ये है दैट ब्रो, ये प्रोडक्टिविटी लाइक काम आती है, सब कुछ होता है, विंटर आर ये वो, ये एक दिन के लिए होगा भाई, एक दिन के लिए, उसके बाद ऐसा हाल होगा, ऐसा हाल होगा, पता नहीं 3-4 दिन होता है उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तेरा यही हाल है, ये यूट्यूबर्स तुझे लाइक 2-3 टूल्स बताएंगे एंड उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज लाइक दे आर डूइंग समथिंग एल्स, वो तुझे और कुछ बता रहे हैं, वो कर भी रहे हैं, वो अप्लाई भी कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, जो बता रहे हैं तुझे, पर प्रॉपर वे मैं तुझे अभी बताता हूँ, तुझे विंटर आर्क करना चाहिए, विंटर आर्क तुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, विंटर आर्क नहीं करना है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज माई विंटर आर्क, लॉन्ग टर्म सोच, थोड़ा बड़ा सोच, बड़ा सोच। मैंने विंटर आर्क का सोचा ही नहीं था, मैंने 1 साल पहले ही विजन रखा था एंड अभी भी विजन रख रहा हूँ। तुझे मेरा दिख रहा हुआ थोड़ा, मैं बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा हूँ भाई, अभी मैं जस्ट जिम जाके आया हूँ, जिम जाके, मुझे मैं जॉब करता हूँ, मेरी हालत ख़राब रहती है, फिर भी मैं अपने आप कर रहा हूँ सब कुछ, एंड ऐसे दिन आते हैं, मैं रोबोट नहीं हूँ, मेरे भी दिन आते हैं जहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, पर मेरी बॉडी मतलब मैंने छोड़ दिया सब कुछ मेरी विजन पे, मेरी बॉडी अपने आप भाई गोल पे काम कर रही है, जस्ट बिकॉज मैंने विजुअलाइज करके रख दिया है। दिस इज़ द थिंग, मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है, मुझे प्रोडक्टिविटी, मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ, मैं जर्नल नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं भाई, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ मेरा काम रहता है वो करता हूँ, जिम जाता हूँ और मेन चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, दैट इज़ अच्छी बॉडी बनाना, डाइट खाना, जाके काम करना एज अ वीडियो एडिटर, मैं इन हाउस कंपनी में काम करता हूँ एंड कॉन्टेंट बनाता था, पर पता नहीं अभी मेरा फ्लो में कैसा आ गया, मैंने बहुत टाइम से वीडियो बनाना छोड़ दिया, बिकॉज मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मैं रोज़ बस एक बोर्ड के पीछे, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा होगा तुझे, एक बोर्ड, ये देखिए दिख रहा है तेरे को इधर, ये बोर्ड यहाँ पे मैं वीडियो बनाता था, एक पेन लेके लाइक वो मेरा बोर्ड है, पेपर है उस पर, मतलब ऐसे वाइट बोर्ड होता है ना वैसे टाइप का कुछ, मैं उस पर बनाता था वीडियोस, पर वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। सो मेन चीज़ ये थी कि लाइक मैंने छोड़ दिया, मैं अभी ये बना रहा हूँ बिकॉज मुझे तुझे गाइड करना है एक्चुअली, मैं कैसे करवाऊँ तेरा विंटर आर्क वाला स्टाइल जो है मैं कैसे बंद कराऊँ और एक लॉन्ग टर्म बंदा कैसे बनाऊँ तुझे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तुझे दिमाग में से हटा देना है दैट विंटर आर्क नाम की चीज़ है, तुझे एक गोल चूज़ करना है, ठीक है, गोल चूज़ करना है, दो गोल चूज़ करना है। मैं तुझे विजुअलाइजेशन की भी एक बुक बता देता हूँ, लाइक मेरी बुक भी यार बहुत नीचे पड़ी है, लड्डू मुत्याना रही है सब शारती, ये वीडियो वायरल हो गई है तो मेरे दिमाग पे चढ़ गया सब कुछ। देख ये है बुक जो विजुअलाइजेशन के लिए काम आएगी, यू कैन बाय इट एनी टाइम, मैं ऐसी टाइप की बुक पढ़ता हूँ, साइको साइबरनेटिक्स है, तूने सुना होगा नहीं घर, तूने अब तक इतना सारा घुस गया है यूट्यूबर्स में तो तूने सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तुझे क्या करना पता है, लिटरली बोल रहा हूँ,
हैव अ गोल, जैसे तूने विंटर आर्क रखा ना वैसे एक अच्छा गोल रख, अच्छा गोल रख, खुद को तू टोज ही मार रहा है। मैंने लिटरली लिटरली एक बंदे को पूछा तूने क्या विजुअलाइज, वो बोलता है मैं खुद को टोज ही मान रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ ये सब कर रहा हूँ ठीक है, मैं खुद को टोज ही मान रहा हूँ, बैट खुद को टोज ही मान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ठीक है डिस्ट्रैक्ट हो जाना। तो वो बोल रहा था मैं खुद को टोज ही मान रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि ना वो खुद को टोजी नहीं मान पा रहा है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ है कि वो खुद को लाइक मानता ही नहीं है, टोजी टाइप का खुद को मानता ही नहीं है लिटरली, बिकॉज ब्रो टोजी किधर, इधर 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 और वो भाई अभी इधर है भाई, ब्रेन भी ना बोल देता विजुअलाइजेशन के टाइम पे और वो विजुअलाइज नहीं हो पाता। ब्रेन कब विजुअलाइज करता पता है, जब तुम औकात में विजुअलाइज करते हो, औकात में, औकात में कैसे विजुअलाइज करते हैं मैं वो बताता हूँ तुझे लिटरली। तो औकात में विजुअलाइजेशन, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ कि छोटा सोच, मैं तुझे बोल रहा हूँ दैट थोड़ा सा लेवल में सोच। तो उसके लिए क्या करना पता है तुझे, जो तू सोच रहा है चल तू विंटर आर्क मतलब तेरी बॉडी अच्छी बनानी है, तुझे पैसा कमाना है, मैं बॉडी पे बनाता हूँ ठीक है, तुझे ना अपना एक ऐसा चीज़ या फिर ऐसी चीज़ लगानी है माइंड में विजुलाइज़ करते वक्त जो तेरे पास पहले से लिटरली पता, तूने पहले से ऐसी कोई चीज़ कर रखी है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ दैट मैं लाइक अच्छी बॉडी बनाना चाहता हूँ, तो मैं मेरी पहले से ऐसी कोई चीज़ है जो मैं पहले से बहुत सारा सोच के रखा और दिमाग में दिख जाती है, मैं वो डाल दूँगा ठीक है मेरे दिमाग में विजुअलाइजेशन करते वक्त, जैसे कि मेरा फेस, जैसे कि मेरे मेरी बैक, मेरे दोस्त की बैक और मेरी बैक बहुत ज़्यादा जचती है, तो मैं वो विजुअलाइज करूँगा ठीक है। उसके बाद जाके तुझे कुछ इमेजिनरी सोचना है, तेरा विंटर आर्क वाला वर्जन सोचना है तुझे, एक ऐसी चीज़ सोच सबसे पहले जो सच में तेरे पास है, तेरा ब्रेन उधर से अपने आप वो लाइक लिटरली मानना स्टार्ट करेगा दैट यार ये तो सच में विजुअलाइजेशन कर रहा है, तो सच में सच है ठीक है, ये सच में सच है, तेरा ब्रेन तो मानना स्टार्ट कर देगा, होता है ऐसा। तो ऐसे करके होता है, ये होता है लिटरली ये होता है, तुझे ऐसी कोई एक चीज़ रखनी है जो तेरे पास पहले से है। लोग क्या करते हैं बड़ा बड़ा विजुअलाइजेशन करेंगे जिसमें घंटा कुछ तेरे पास नहीं है, मतलब मैं टोजी की जैसे खा रहा हूँ, भाई टोजी है वो, चल टोजी जैसा है पर तू विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है वो, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ कि तू टोजी जैसा नहीं दिख पाएगा, मैं बोल रहा हूँ ब्रो तू विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, आई नो तू अंदर से कोक कर रहा है भाई मुझे पता है, सो जस्ट ट्राई टू लाइक गेट लाइक, मतलब मैं तुझे बोल रहा हूँ खुद की चीज़ें पहले विजुअलाइज करो उसके बाद जाके कुछ नया सोचो, पर सोचो नया, दैट्स द थिंग। अब सेकेंड चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरली, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं किया तो लग गए विंटर आर्क वाला ही होगा तेरा, दो दिन के बाद वापस से वही करेगा, वापस से डाइट ख़त्म कर खराब कर देगा, जिम नहीं जाएगा, चार दो तीन महीने के बाद कुछ ना कुछ होगा तेरे, ये करना। तो मेन चीज़ ये है, ये विजुलाइजेशन कर दिया तो लोग क्या करते हैं डर जाते हैं, लोग होप नहीं रखते हैं लिटरली होप नहीं रखते हैं। मैंने 6 महीना विजुलाइजेशन किया था, इसमें फर्स्ट पॉइंट तो मैंने किया नहीं, और जो मेरा वर्क कर रहा था विजुलाइजेशन उसमें भी मैं क्या कर रहा था, मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, और मैं अपने हाथ में ले लेता था चीज़ों को, मैं जिस दिन कुछ फेल हो जाता था तो मैं गोल्स बदलने बैठ जाता था, मैं जर्नल करता था, ऐसे होता था। तो वो हमें नहीं करना है, जिस दिन तू ख़राब कर रहा है हो जाने दे चलता है हो जाने दे तेरा, और इसके लिए मुझे पता है दैट काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़ कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़ है, पर मैं बोल रहा हूँ इसको एक ही चीज़ से तू संभाल सकता है, दैट इज़ होप। मेरे दोस्त ने मेरे को ये सिखाया दैट ख़राब टाइम आता है ना उस टाइम पे, अच्छा मुझे पता है तेरे घर पे तेरे माँ बाप भी तुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तेरे दोस्त भी तुझसे उतना ज़्यादा बात नहीं करते, एक ही दोस्त वो दोस्त हैं वो बात करते हैं, तो तुझे क्या करना पता है, पुट फेथ ऑन गॉड, ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया, गॉड पे फेथ रख, अरे यार मेरा नाक, हाँ गॉड पे फेथ रख, गॉड पे, कुछ ख़राब हो रहा है चलता है, भगवान संभाल लेगा,
दिस शुड बी द थिंग, दिस इज द थिंग. लोग कहते रहे दिमाग में आया होगा, अभी सामने वाला ही बोल रहा होगा कि ए भगवान तो कुछ नहीं, तुझे खुद के हाथ में लेना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है. ब्रो ब्रो ब्रो, यू डोंट नो द पावर ऑफ होप. पता है, एक बंदा जो खुद के हाथों में चीज़ें ले रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है. मैं लिटरली मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ. जब मेरे हाथों में चीज़ें थी, जब मैंने भगवान की होप नहीं रखी थी, आई डिड परफॉर्म वेल. पर जिस दिन ख़राब होता था, मैं फट जाती थी. मैं 6-6 महीना कुछ नहीं खाता था, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी. एंड नाउ मेरी हालत ख़राब है, फिर भी मैं होप रखा हूँ भगवान पर. एंड आई एम मोर कंसिस्टेंट देन एवर एन एवरेज जिम गाय. मेरा अपार्टमेंट का जिम है ना, जो बिल्डिंग का, आई एम मोर कंसिस्टेंट देन एवरी वन. आई नो मैं तारीफ कर रहा हूँ मेरी, बट येस आई एम मोर कंसिस्टेंट जस्ट बिकॉज आई हैव फेथ इन गॉड. जिस दिन मैं जिम नहीं जा पाता हूँ, उस दिन मुझे पता है कि अगले दिन मेरा ब्रेन अपने आप मुझे कुछ ना कुछ बता देगा, भगवान कुछ ना कुछ बता देंगे, जिससे कि सामने रिकवरी हो जाएगी. मुझे सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मुझे अपने आप आंसर्स मिलते हैं. यू हैव टू पुट फेथ ऑन गॉड. तो एक बार भगवान पे फेथ रख. वो मोमेंट मुझे पता है प्रॉब्लम आता है, आई नो इट, इट इज़ हार्ड. ऐसे ही नहीं छोड़ सकते अपने गोल्स, खुद के हाथों में लेना चाहिए तुझे. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बस एक बार फेथ रख गॉड पर, एंड इट्स ऑल गोना वर्क. ये वही बंदा बोल रहा है, ये सेम बंदा है. तू जो अभी कर रहा है, मैं वो ही करके बैठा हूँ भाई. तू जिम जाके आया है, वो मैंने करके छोड़ दिया. मैं अभी भी कर रहा हूँ जिम. मैं पावर लिफ्टर था, वन ऑफ द डोमिनेटिंग पावर लिफ्टर था, बट अभी जॉब की वजह से आया डोंट परफॉर्म मच, बट स्टिल मैं अभी बैक आ गया हूँ. पर यस, मैं वन ऑफ द डोमिनेटिंग पावर लिफ्टर था मेरे जिम का. यंगेस्ट था, बट स्टिल आई डोमिनेटेड इन द एज कैटेगरी एंड द वेट कैटेगरी. एंड बुक्स के लिए बोलूँ तो बहुत है. वो देख, बुक्स दिख रही है तुझे ना, देख रही है? आई हैव रेड एवरी बुक जो तू अभी खरीदने वाला है, ठीक है? और क्या बताऊँ, तू जो यूट्यूबर्स को देखता है, मैंने उनको देख के छोड़ दिया है. जैसे कि हमजा, चैट टैग मैंने देखा नहीं उतना, बट स्टिल आई नो हिम वेरी वेल. बात नहीं होती है मेरी भाई, मेरी बात नहीं होती है. मैं उसको, मैंने अब तक कॉन्टेक्ट नहीं दिया, मैंने लाइक कभी बात नहीं है मेरी. ही इज़ जस्ट इन्फ्लुएंसर फॉर मी. ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को देख के रखा है मैंने, सब ट्राई कर लिया मैंने, प्रोडक्टिविटी भी कही मेरी, सब गया. भगवान पे फेथ रखी ना, तो मुझे अभी मेडिटेशन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है. मैं अपने आप जिम चले जाता हूँ, अपने आप सारी चीज़ें करता हूँ, अपने आप बेटर परफॉर्मर बन रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने गॉड पे फेथ रखा है. दिस इज़ द थिंग. अब मैं तुझे सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है? तुझे क्या करना है, तुझे होप रखना है. सबसे पहले होप में गोल्स बनाने हैं. तूने एक, तुझे रास्ता बनाना है, तुझे एक एंड गोल रखना है, ठीक है? ये रहा एंड गोल, यहाँ का तू सोचेगा ना, तब जाके तेरे पास रास्ता बनेगा. भगवान तभी तुझे हेल्प कर पाएंगे, समझा ना? तो तुझे एक एंड गोल सोचना है, ठीक है? ये सोच लिया, मैंने तुझे टेक्निक बता दिया, ये सोच लिया. अब तू जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे ऐसे होता है, कभी कभी गिर जाता है. तो हमें क्या करना है, हमें चल दिए उस रास्ते पर, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है भगवान के नाम पर. ये जो हाथ में माला दिख रही है, ये सब भगवान है. गिरेगा तो तुझे भगवान संभाल लेंगे, कुछ भी बुरा हो रहा है भगवान संभाल लेंगे, पर तू पहुंच जाएगा बिकॉज भगवान तेरे साथ है. गॉड हैज़ अ लॉट ऑफ डिवाइन पावर ब्रो, और लॉट ऑफ डिवाइन पावर, अ लॉट ऑफ डिवाइन पावर. वो एक ऐसे भगवान हैं जो कुछ बुरा होने पे भी तेरा हाथ पकड़ेंगे, तू कुछ बुरा कर रहा है तो भी हाथ पकड़ेंगे तेरा. ऐसे हैं, तो बस उन्हें याद कर, वो तेरा हाथ पकड़ के रखेंगे. That's it. This is the thing. इतना ही था, यही है. This is the real thing. यार मैं तो अभी क्या को बता नहीं. You will find it like the tension.